हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये इंटरनेशनल डॉम है और आज हम जा रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको इंटरनेशनल डॉम जिसमें हम लोग रहते हैं। हम और जो मेरे फ्रेंड है ओवरसीज, वही इस डॉम में रहते हैं। आपको बताते हैं, यहाँ पे फेस आईडी से या कार्ड पंच करके इसे खोल सकते हैं, लेकिन अभी स्टूडेंट नहीं है इसलिए गेट खुला रहता है। और चलिए और चल के देखते हैं अंदर का नज़ारा। आइए चलते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इंटरनेशनल डॉर्म है जिसमें 9 ब्लॉक है, जिसमें हम लोग ब्लॉक 5 में रहते हैं, रूम 602B में रहते हैं। और ये यहाँ पे मेरे वार्डन रहते हैं जिसका नाम है माइकल, आप देख सकते हैं। और चलते हैं आगे, आज आपको डॉर्म का पूरा व्यू दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक ट्री है, इसके नीचे यूजुअली लोग बैठते हैं, चिल करते हैं। हम भी आते हैं सुबह में और शाम में और यहीं पे बैठते हैं। कैसा लग रहा है व्यू, आप कमेंट करके नीचे बताएंगे। और इधर आए और इधर का व्यू दिखाते हैं आप लोग को। और यहाँ पे देख सकते हैं स्कूटी और यहाँ पे कुछ बाइक नजर आ रहा होगा आपको। पहले यहाँ पे सिस्टम था चार्ज करने का, लेकिन कोविड के बाद ये सिस्टम हटा दिया है मेरे कॉलेज के मैनेजमेंट ने, जो कि गलत किया है। हम लोग को काफ़ी दिक्कत हो रहा है यहाँ पे, लेकिन फिर ही हम लोग मैनेज कर रहे हैं। और फिर चलते हैं आगे। तो गाइस, ये जो पीछे बिल्डिंग नज़र आ रही है इस वाला, इसमें हम लोग पहले कोविड से पहले रहते थे। कोविड के बाद हम लोग का चेंज हो गया है। पहले डॉर्म ब्लॉक 7 में रहते थे हम लोग, अभी ब्लॉक 5 में चले गए जो वहाँ पर है। अभी कोविड के बाद सिचुएशन पूरा चेंज है, स्टूडेंट काफ़ी कम है, इसलिए उतना भीड़ भाड़ देखने को नहीं मिल रहा होगा। लेकिन चाइनीज़ यहाँ पे 18 डॉर्मेट्री है, जिसमें एक इंटरनेशनल डॉर्मेट्री है जो यहाँ पे है, बाकी सब चाइनीज़ के लिए है। तो गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पे पीछे बैडमिंटन खेल रहे हैं हमारे फ्रेंड लोग। और पूरा ड्रोम देख सकते हैं, डॉर्मेट्री मेरा। और आगे आते हैं, आपको आगे का व्यू दिखाते हैं। और यहाँ पे जो हम स्टूडेंट लोग हैं, उनके साथ हम लोग नॉर्मली खेलते हैं यहाँ पे खेलने का है। यहाँ पे भी खेल सकते हैं, सामने बैडमिंटन हो रहा है, वहाँ पे भी खेल सकते हैं। और आगे दिखाते हैं आपको, यहाँ पे कपड़ा धोने का सिस्टम है। चलिए आपको दिखाते हैं, आइए और चलते हैं। तो गाइस, यहाँ पे मेरा वॉशिंग एरिया है, जिसमें यहाँ पे सिस्टम अलग है। पहले हम लोग उसमें कपड़ा डालते हैं, फिर स्कैन करते हैं, फिर सर्फ डालते हैं। यहाँ पे सिस्टम ऑनलाइन है, ऑफलाइन कुछ भी नहीं है। पे करते हैं, फिर मेरा कपड़ा वॉश होके तैयार हो जाता है। तो चलिए गाइस, हम लोग जो पानी यूज करते हैं उसका सिस्टम दिखाते हैं। यहाँ पे 4 मशीन है, जिसमें 2 बॉट है और 2 कूल का है ऑप्शन, जिसमें स्टूडेंट आई डी यहाँ पे पुट करते हैं और पानी निकलता है। और इसको हम नॉर्मली लेके ऊपर जाते हैं और इसी का यूज करते हैं। अब ये ब्लॉक 5 है जिसमें हम लोग रहते हैं, 6 फ्लोर पे। ये आपको दिखाते हैं हम लोग कैसे रहते हैं और वहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं। चलिए चलकर देखते हैं, आइए चलते हैं। आप लोग बने हैं राज चाइना के साथ, चलिए। जैसे आपको बताया था कि हम लोग डॉम 5 के रूम नंबर 602 में रहते हैं। चलिए और आपको दिखाते हैं अपना डॉम रूम। जैसे देख सकते हैं हमारा पूरा एरिया, और हम लोग के पास में 3 रूम है, 3 रूम है, ए बी और सी। और पहले आपको हम बालकनी का व्यू दिखाते हैं। बालकनी आइए, आप देख सकते हैं बालकनी, यहाँ का व्यू देख सकते हैं। वहाँ पे मेरा लाइब्रेरी है और उसके पीछे, जस्ट पीछे स्विमिंग पूल बन रहा है, इधर ग्राउंड है खेलने वाला। और यहाँ पे हम लोग कपड़ा वगैरह सुखा सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए आप देख सकते हैं। और इधर व्यू देख सकते हैं आप लोग, जितना देख रहे हैं सब मेरे कॉलेज में आता है, कॉलेज के अंदर ही है, कैंपस के अंदर। ये हमारा बेसिन एरिया है, सबका पार्टिकुलरली एक एक मिलता है, लेकिन हम लोग मैनेज करते हैं। हम लोग का इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कि हम लोग सब कुछ मिलजुल के यूज करते हैं। ये हमारा बेसिन है और देख सकते हैं काफी अच्छा है। और इसके बाद आपको दिखाते हैं अपना वॉशरूम जो 3 है, आइए और देखते हैं वॉशरूम। यहाँ पे कुछ बाल्टी वगैरह रखा हुआ है,
और सामने कपड़ा, या यही हम लोग वॉशरूम यूज करते हैं यूजुअली। यहाँ पे तीन बाथरूम है जिसमें से दो में शावर है, एक में नहीं है, जिसमें हम लोग दो यूज करते हैं, एक में नहीं है, एक में वॉशरूम सिर्फ करते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं रूम नंबर सी जो फर्स्ट है, यहाँ पे हमारे दोस्त श्रीलंकन रहते हैं। ये है रूम नंबर बी, और ये बी है, इसमें भी कोई नहीं रहता। और ये है मेरा अपना रूम, रूम नंबर ए। आइए मेरे रूम में, आपका सबका वेलकम है। और देख सकते हैं ये मेरा रूम है, और यहाँ पे आप पूरा व्यू देख सकते हैं, जो एंट्री आप देखे थे सामने से पूरा देख सकते हैं व्यू। और देख सकते हैं यहाँ पे चेयर लगा हुआ है, हम लोग यहीं पे स्टडी करते हैं, और ऊपर सोने का इंतजाम है। इस पे ऐसे आपको चढ़ के जाना पड़ेगा, इस पे जाके आपको यहाँ पे सोइए। अभी ठंड का मौसम है तो कंबल का यूज करते हैं हम लोग। फिर नीचे यहाँ पे आइए, नीचे आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, और इसका निकाल सकते हैं और फिर स्टडी कर सकते हैं। ये रहा हमारा वीडियो, जो कि आपको कैसा लगा आपको बताइएगा, और आपको आगे वीडियो चाहिए इस डोमिनेटरी का चाहे कुछ का तो कमेंट करके बताएंगे हमें, और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है ये भी आप कमेंट नीचे लिख के बताएंगे। और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, बाय बाय।